हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक हॉन्टेड प्लेस, और उस हॉन्टेड प्लेस का नाम पता है क्या है? अग्रसेन की बावली। और ये है नॉर्थ ईस्ट में। तो अभी मैंने बगला साहब गुरुद्वारे से ऑटो किया है और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, और मैंने कहा चलो आपको आज वही घुमाया जाए। मैं तो पर्सनली वहाँ पर काफ़ी बार जा चुकी हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा दिया जाए अग्रसेन की बावली। और वो एक बहुत हॉन्टेड प्लेस है। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि वो दिल्ली के जो मेन हॉन्टेड प्लेस है, दिल्ली के क्या मतलब कि भारत के हॉन्टेड प्लेस में से एक है। और मैंने पर्सनली वहाँ पर जाके कुछ चीज़ें फील की हैं, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने ऑटो ले लिया है, चलिए मैं आपको डायरेक्टली अभी वहाँ पर मिलती हूँ। अब हम हेली रोड पहुंच गए हैं और बस अभी आने वाला है। अब हम हेली रोड पहुंच गए हैं और ऑटो में ऑटो वाले ने भैया ने हमसे 50 रुपए लिए हैं। ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे, थैंक यू भैया। जो आप ये देख रहे हैं ना उग्रसेन की बावली, इसको बावली के साथ साथ एक भूमिगत इमारत भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन के नीचे बनी हुई है। और इसका जो निर्माण, मैं आपको बता दूं, जो इसका निर्माण है राजा उग्रसेन के द्वारा किया गया था। और इसकी लंबाई जो है वो है 50 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 मीटर। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये बावली जो उस समय बनाई इसलिए जाती थी कि पानी को स्टोर करके रखा जा सके। देखिए, जो आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये पूरी 115 सीढ़ियाँ हैं। बट मैं ये मैंने खुद ही मतलब कि काउंट किया है इन सीढ़ियों को, और देखने में लगता है कि ये सिर्फ 15-20 सीढ़ियाँ 50 सीढ़ियाँ होंगी, बट ये पूरी 115 सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, मुझे यहाँ पर बैठे हुए ना काफ़ी देर हो गई है कि मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि मैं कुछ एक्सपीरियंस कर सकूँ और मुझे कुछ ऐसा फील हो। बट मेरे को काफ़ी देर हो गई है यहाँ पर बैठे हुए, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा है पर्सनली बताऊँ तो। और यहाँ पर बस ये एक टिकटॉक पॉइंट बन गया है कि लोग आते हैं और रील्स बनाते हैं, और बाहर से फॉरनर्स भी काफ़ी आते हैं इधर देखने के लिए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। और मेरे को तो ऐसा पर्सनली कुछ फील नहीं हुआ है। बाकी मैं एक बार रात को भी आऊँगी, क्योंकि मैं इधर पास में ही रहती हूँ नॉर्थ प्लेस, तो मैं पास एक बार आपको रात को आके भी दिखाऊंगी यहाँ पे एक्सपीरियंस करके कि कैसा लगता है। मे बी रात को पता नहीं खुला होगा या नहीं खुला होगा, खुला तो नहीं होता है, चौकीदार अंदर आने नहीं देगा, बट मैं आपको बाहर से ही दिखाऊंगी एक बार रात को आके। चलिए फिर और थोड़ा देख लेते हैं इतने।
ये देखिए यहाँ पर एक हमें अम्मा मिली है। आप अम्मा कितने साल के हो? आप कितने साल के हो? 60 साल से। ये 60 साल से ऊपर की हैं और ये अग्रसेन की बावली है, उनके पास ही इनका धोबी ये प्रेस का काम है और हम इनसे पूछते हैं इसके बारे में। अम्मा बताओ, ये अग्रसेन की बावली के बारे में कुछ आप बताओगी कि ये हॉन्टेड, इसको हॉरर कहा जाता है, भूतिया वो, तो ऐसा कुछ है इसमें? हम रह के गए 40-45 साल अंदर। अच्छा, ये तो बिल्डिंग बनने के बाद से हम निकल गए, नहीं तो हम तो नहीं रहते थे। मेरे अच्छा? बच्चे भी नहीं हुए। अच्छा, तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दिया कभी, सुनाई दिया? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं दिखा। अच्छा, खाना भी खाते थे भारी बैठ के। अच्छा, बच्चे भी खेलते थे, हम भी रात को सोते थे, हमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा आपको कभी भी? एक दिन का बैर है। अच्छा, डराते हैं लोग। चलिए, अम्मा का तो ये कहना है कि लोग डराते हैं, दिल का वहम है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो चलिए, एक बाबा जी भी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। अम्मा जी का बेटा है यहाँ पर, जो यहाँ पर आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, हम इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। तो भैया जी, आप बताएंगे कि यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताएंगे आप, अग्रसेन की बावली, इसको कि हॉन्टेड कहा जाता है? इसके बारे में मैं अपनी उम्र पहले बताऊंगा, मेरी 46 उम्र है। हाँ जी, मैं इसके बारे में, जहाँ तक कि जब 12-13-14 साल के लगभग में था, तो हम छोटे थे उस टाइम, थोड़ी हमें रात के 2:30-12 के बीच के बाद में छन छन की आवाज़ें सी कुछ आती थी, ये हम नोट करते थे। उससे आगे हमने कभी आज तक कुछ देखा नहीं वैसे। अच्छा। आवाजें हमने पजेब की पायल की आवाज़ें बहुत सुनी है, लेकिन देखा नहीं। देखा नहीं आपने कभी भी कुछ भी? नहीं, और अब तो वो भी नहीं आता, अब तो वो भी कुछ नहीं। अच्छा, अब क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा आने जाने लगी है, तो शायद भूत भी डर के भाग गए हैं। है नहीं ऐसा कुछ भी तो कुछ अच्छा, वैसा कुछ नहीं है। चलिए, अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है और आप इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं। थैंक यू भैया जी, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। का शूटिंग हुआ ना, तब हाँ। से चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि ये भूतिया है, आप लगा तुम्हें इतने नहीं, नहीं, चला रहे हो भूतिया है? भूत भूत कुछ नहीं, भूत भूत कुछ नहीं है ना। तो लोगों का भय में भूत यहाँ पर? बिल्कुल भय है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, तुम तो सारा दिन यही रहते हो? हाँ, सारे दिन रहता ही। कितने लोग आते हैं? 6:30 बजे तक है। 6:30 दिन भर तो गिनते नहीं है, लेकिन लोग बहुत आते हैं। बहुत आते हैं लोग, बहुत आते हैं, संडे को भी, शनिवार को बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। चलो, थैंक यू बाबा। पब्लिक बहुत आते हैं, ऐसी बात बहुत आते हैं। हाँ, लेकिन भूत वूत नहीं है, भूत नहीं है, ऊपर में आदमी रहते हैं। वो दुकान है ना, दुकान, दुकान वाला ऊपर में रहते हैं, ऊपर में रहते हैं। हाँ जी, भूत वूत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोग बहुत आते हैं। ठीक है, थैंक यू बाबा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि आपको मैं रात को लेकर जाऊंगी उग्रसेन की बावड़ी। तो चलिए, फिर अभी रात के 10:30 बज गए हैं और मैं निकल गई हूँ स्कूटी पे। दिन में तो मैं ऑटो में गई थी, बट अभी रात का टाइम है तो मैं स्कूटी पे जा रही हूँ अग्रसेन की बावड़ी के। देखते हैं वहाँ पे जाके, थोड़ा डर तो मुझे लग रहा है, बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो चलिए, चलते हैं अग्रसेन की बावड़ी। तो हम पहुंच गए हैं अग्रसेन की बावड़ी और यहाँ पर गेट पे ताला लगा है, रात को हम अंदर नहीं जा सकते हैं, बट मैं आपको बाहर से ही दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं मोबाइल जाली से अंदर ले जाती हूँ और ये देखिए, दिखाती हूँ अग्रसेन की बावड़ी रात को। ये देखिए, रात के समय यहाँ कैसा लगता है, ये देखिए।
अंदर तो कोई नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है अंधेरा है, रात है और ये एक हॉन्टेड प्लेस है, तो डर तो लगता है भाई। ये देखिए दोस्तों, ये है अग्रसेन की बावरी। इस टाइम रात की बजे हैं 10:30 और मैं हूँ अग्रसेन की बावरी पे, और ये आप देख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि चौकीदार ने यहाँ पे गेट को क्लोज करके रखा है तो अंदर नहीं जाने देगा हमें, तो इसलिए आपको ये बाहर से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है लॉक। पर मैं आपको जाली के अंदर से दिखा देती हूँ फ़ोन डाल के, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं रात का व्यू अग्रसेन की बावड़ी का कैसा है। दोस्तों इस टाइम रात के बजे हैं 10:45 और देखिए मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ मेरे दूसरे मोबाइल में, ये देखिए पूरे 10:45 और मैं इस टाइम हूँ अग्रसेन की बावरी पे, और मैं रात को अपना व्लॉग यहाँ पे शूट करने के लिए आई हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि लोग जो कहते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेस है, भूतिया है, तो कि आपको भी लगे कि चलो दिन में तो लोग आते हैं सब कैसा होता होगा तो रात को कैसा है, तो इसलिए मैं रात को आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आई हूँ। तो ये देखिए, सच बताऊँ तो मुझे भी थोड़ा डर तो लग रहा था क्योंकि रात है और मैं इधर आ रही थी रात को अकेले इतने बजे, तो डर तो लगता ही है क्योंकि आसपास का एरिया देखिए, अभी यहाँ पर चमगादड़ों की आवाज़ दिखाई दे रही है और सामने से देखिए एक बिल्ली आ रही है, भागती आई है, देखिए कैसे, ये देखिए। थोड़ा सा मैं देख के डर भी गई थी बिल्ली को वहाँ पर, और थोड़ा सा टेंशन भी हो रही है, पर लेके प्रभु का नाम जय बजरंग बली की करके चलिए। तो मैंने अपना ये व्लॉग आपके लिए यहाँ पे शूट किया, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे नए नए वीडियो यहाँ पर शूट करके दिखाती रहूँ।